society's main agents of change and progress. The power of youth is the common wealth for the entire world. Youth First with Dr. Amod Sachan. At Com वो टॉपिक है जो हमको बाय बर्थ आना चाहिए. हमारे परिवार में, हमारे समाज में हम कैसे रहे, कैसे बात करें, कैसे लोगों की सेवा करें, कैसे लोगों के मनोभावों को समझें और कैसे अपने आप को आगे ले जाएं, ये काम हमको बचपन से लेकर अब तक अच्छी तरह सिखाया जाना चाहिए था और हमको आ चुका होना चाहिए था. लेकिन जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में मॉरल वैल्यूज का डिटेरियरेशन हो रहा है, वैसे ही मेडिकल के क्षेत्र में भी है. ये कोई अनूठा नहीं है. मेडिकल के क्षेत्र में जब आदिकाल में जो वैद्य होते थे उनकी गणना देवताओं के समान होती थी, उनकी पूजा होती थी. लेकिन समय के साथ चीजें नीचे जाती गई और आज इसको एक सामान्य व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं. स्वास्थ्य का क्षेत्र कभी सामान्य व्यवसाय नहीं हो सकता है. यह एक अनूठा व्यवसाय है और इस व्यवसाय में हम को बहुत सारे मानवीय मूल्यों को अपने अंदर धारण करना होगा. जब तक हम उन मानवीय मूल्यों को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक हम सही डॉक्टर नहीं बन पाएंगे. आज आपको मैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत लगन से, मेहनत से समझा और जीवन को समझा, जीवन के मूल्यों को समझा, उसके बाद अंत में उनको यह समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए. उसमें से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन. अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला, वर्ल्ड फेमस फार्मूला दिया और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिससे बहुत सारे नए अन्वेषण हुए और अल्टीमेटली उनकी थ्योरी आगे चल करके काम आई एटॉमिक बम बनाने में. ओपेनहाइमर दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक बम का संरचना की. तो जब अपने जीवन के अंत में पहुंचे अल्बर्ट आइंस्टीन, जब सभी विनाश की सभी रूपरेखाएं सब बना ली गई, तब उनको समझ में आया कि जो भी मैंने जीवन में किया वो साइंटिफिक रिसर्च तो बहुत बड़ी थी लेकिन वो रिसर्च जीवन में सफल होने के लिए नहीं है. ये उनके अपने स्वयं के शब्द हैं. उन्होंने कहा, इस संसार को एटॉमिक बम की जरूरत नहीं है, इस संसार को यदि संभव हो तो एक ऐसे बम की आवश्यकता है जो सबके अंदर प्रेम की अवधारणा उत्पन्न कर सके और ऐसा कोई बम हो जिससे प्रेम विस्फोटित हो सके और सबके हृदय में प्रेम जागृत हो जाए. प्रेम वो एक भावना है जो सबके प्रति सत्य निस्वार्थ प्रेम होता है. कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के कल्याण की भावना रखता है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया है, चाहे वो मरीज हो, कुलीग हो, सीनियर हो, जूनियर हो, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसी को प्रेम कहते हैं. दुर्भाग्य तो देखिए आज की तारीख में प्रेम की परिभाषा भी बदल गई. जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मोह, अटैचमेंट और वासना, इन दोनों के समझने का नाम प्रेम को दे दिया है. प्रेम वासना नहीं होती है. प्रेम वो भावना होती है जो दूसरे के कल्याण के लिए काम करती है. तो आज की तारीख में जब हम परिभाषाएं बदल चुकी है, लोगों की समझ बदल चुकी है, तो हम कैसे दूसरे के बारे में अच्छी बात सोच सकते हैं और कैसे ये एट कॉम लागू कर सकते हैं. एक और साइकोलॉजिस्ट है लुईस हे, बहुत
मशहूर साइकोलॉजिस्ट है एंड इस समय सी इज अबाउट 90 प्लस यूएस में ही बेस्ड है। उनके जीवन में जितने प्रकार के दुख कोई व्यक्ति उम्मीद कर सकता होगा उतने प्रकार के दुख उनको मिले। ऐसा कोई दुख नहीं है जो कोई एक यंग 5 साल की लड़की को मिलता हो और पूरे जीवन काल में जब तक कि उसको जीवन का ज्ञान नहीं होगा वो सारे दुख उसको मिलते रहे और अल्टीमेटली उसको कैंसर भी डेवलप हो गया। उसके बाद उसको समझ में आया क्या गलत हुआ, क्यों ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में इतनी तरीके की प्रॉब्लम आई। तो उसने महसूस किया कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसकी अपनी पैदा की हुई है, उसने स्वयं उन प्रॉब्लम को पैदा किया है, उनको बुलाया है, अपने मन मस्तिष्क के अंदर बैठाला है और उनको समाज में अपने अपने व्यक्तित्व को, अपने लोगों के संबंधों को खराब किया है और उसी के साथ साथ हमने अपने अंदर बीमारियां पैदा की हैं। तो डॉक्टर होते होते हमको यह भी समझना होगा कि हम स्वयं कैसे ठीक रहे। तो उस लेडी ने रिलेशनशिप निकाली कि एक तरफ और दूसरी तरफ। तो उस लेडी ने लुईस हे ने देखा कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, उनमें से कुछ विचार ऐसे हैं जो एक विशेष प्रकार की बीमारी पैदा करते हैं। तो उसने हर बीमारी के लिए एक एफर्मेशन तैयार किया कि अगर जॉइंट पेन है तो उसके अंदर इस तरीके की सोच चलती है, उसको स्ट्रोक है उसको इस तरीके की सोच चलती है, उसके हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ये सोच चलती है, एलर्जी है तो ये सोच चलती है। उसने पूरी शरीर के जितनी की जितनी बीमारियां हैं हर बीमारी को एक सिस्टम से लिंक किया उसने और उसको लाखों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसने और उन सभी लोगों को उसने साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट अ मेडिकल डॉक्टर और उस विधि के द्वारा लाखों लोगों को उसने ठीक किया एंड अल्टीमेटली सी हैज पब्लिश्ड बुक दैट यू कैन हील योर लाइफ योरसेल्फ, यू कैन हील योर लाइफ। उसी के साथ उसी किताब के बाद फिर उसने लिखा यू कैन हील योर बॉडी और वो किताब पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पढ़ी जा चुकी है। ये अनफॉर्चुनेट है हम लोगों को यहां नहीं मालूम है लेकिन ये ज्ञान लोगों के पास समझ आ रही है और हमको इस संसार के बहुत सारे रहस्य हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम इतनी गलतियां करते हैं, इसलिए हम दुख में डूबे हुए हैं। तो यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप में से कौन कौन जीवन में सफल होना चाहता है हाथ उठाइए, कस के जोर से उठाइए, पहले इतनी हिम्मत तो जुटाइए कि मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, नीचे कर लीजिए। अगर यदि आप जीवन में सफल हो जाना चाहते हैं तो आपको जीवन के वो सारे रहस्य समझने पड़ेंगे जो सफलता प्रदान करते हैं। आज आप जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी आपके साथ सुख और दुख आपके पास है वो स्वयं आपके द्वारा सृजित है। यदि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, भ्रमित हैं, ये भी आपने इकट्ठा किया है। यदि आज आप सुखी हैं, आपके अंदर वो सारी स्थितियां उपलब्ध हैं जिनको आप चाहना करते हैं तो वो भी आपने ही किया है। लेकिन आज ज्यादातर लोग बारिंग फ्यू पर्संस सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब भय में हैं और ये किसने क्रिएट किया है? Who has created it? It is me who has created it. It is nobody other than me has created. और हमको इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों का पता नहीं है, मुझे अपना नियमों का पता नहीं है जो मेरे ऊपर लागू होते हैं तो दूसरों के नियमों को हम क्या जानेंगे? तो अगर हम उन नियमों को जान जाएं और अपने जीवन में उनको हम
धारण कर ले। तो ऐसा इस संसार में कोई सफलता नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक और राइटर है, यूएस के ही है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है द सीक्रेट। कितने लोगों ने पढ़ी है? एनीबडी हैज रेड इट? यस। उस किताब में जो उसकी मेन ऑथर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में थी, अनफॉर्चुनेटली उनको भी जीवन में जितने प्रकार के दुख थे सब उनको मिले, ऐसा कोई दुख नहीं था जो उनको नहीं मिला। लेकिन एक किसी ने, इनफैक्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी किताब में ही, कि मेरी डॉटर ने मुझको एक 100 साल पुरानी किताब दी जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ आवर थॉट्स डिस्क्राइब थे, उसको मैंने पढ़ा और ये समझा कि हम सब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट हैं और हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनका हम विचार करते हैं। और वो कैसे होता है कि हम कोई थॉट पैदा करते हैं, थॉट हम ही पैदा करते हैं। इग्नोरेंस में और अपने पुराने संस्कारों के कारण जो भी थॉट हम पैदा करते हैं वो नेगेटिव थॉट पैदा करते हैं, पॉजिटिव थॉट नहीं पैदा करते हैं। कौन से थॉट नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है? पॉजिटिव थॉट है प्रेम के, करुणा के, शुभ भावना के, शुभ कामना के, सुख के, शांति के, आनंद के, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं। और पूरा और थॉट्स हमारे कौन से होते हैं 24 घंटे? हमारे थॉट्स होते हैं दुख के, दर्द के, भय के, ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के, वासना के, ये हमारे थॉट्स होते हैं। तो जो हम अपने मन में पल्लवित करते हैं उसी सेम फ्रीक्वेंसी का थॉट इस ब्रह्मांड में भी, यूनिवर्स में भी टहल रहा है, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक बार हम थॉट पैदा करते हैं और फिर वैसे ही हजारों लाखों थॉट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसी कारण से हमको वो सारे दुख मिलते हैं जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं कभी बीमार ना हूं, मैं आपको करके बता रहा हूं, मैं कभी बीमार ना हूं, मेरे साथ कोई दुखद घटना न घटे, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो, मेरा कोई मुकदमा ना हो, कोई मेरे साथ गड़बड़ ना हो। अक्सर इस तरीके के थॉट हम करते हैं। उसने ये पाया, एक्सपेरिमेंट किया, कि जब हम इस तरीके के थॉट पैदा करते हैं तो ना हो वाला पार्ट यूनिवर्स नहीं लेता है, कि मेरा एक्सीडेंट ना हो तो ना हो वाला पार्ट वो नहीं लेता, एक्सीडेंट को खाली वो कैच कर लेता है और आपका एक्सीडेंट 100% करा देता है। मैं फेल ना हो जाऊं, आपने 24 घंटे याद किया मैं फेल ना हूं, मैं फेल ना हूं, तो निश्चित रूप से आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो हील कर देता है पूरे ब्रह्मांड में फेल होना। तो उसने जब ये बात रहस्य जाना तो उसने फिर अपने इस संदेश को, अपने इस अपने फिट मैग्नेट से, तो उसने उस तरीके से 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया पूरी दुनिया में, अननोन लोगों को जो यही काम कर रहे थे, और सबने मिल करके इस किताब द सीक्रेट को लिखा है। आप जाइएगा YouTube में ढूंढिएगा द सीक्रेट और उसको सुनिएगा। तो उस रहस्य में उसने ये पाया कि आपको जो चाहिए आपको वही उसी की कल्पना करनी होगी। तो इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने डेस्क के सामने, अपने कमरे में बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि मैं ये जीवन में बनना चाहता हूं। और ये मेरा वादा है कि यदि आपने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मानस के साथ यदि वो सेंटेंस लिखा है तो उसको पूर्ण होने से इस ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये
हर हाल में वो पूरा होगा, क्योंकि उसको पूरी कायनात पूरा करने में लग जाती है। क्योंकि इस रहस्य को हम जानते नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ होता है। तो जो आज का विषय है उसको ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति जिसका आप इलाज करते हैं, उसको उसकी जगह पर स्वयं अपने आप को रखें कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मरीज हूं, और मेरी क्या अपेक्षा होगी इन लोगों से जो मेरा इलाज कर रहे हैं। क्या वार्ड बॉय से अपेक्षा होगी, क्या नर्स से अपेक्षा होगी, क्या डॉक्टर से अपेक्षा होगी, क्या रेजिडेंट से अपेक्षा होगी, आपको जवाब स्वयं मिल जाएंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि एक सफाई कर्मचारी है जो कि वार्ड में झाड़ू पोछा लगा रहा है, उसका मेडिकल काम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक पीड़ित आत्मा, परेशान दुखी आत्मा वहां पर इलाज कराने आई है, और वो व्यक्ति वो पूछते हैं कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उस स्वीपर के पास दो ऑप्शन है। एक वो कह सकता मुझसे क्या मतलब, मैं तो सफाई कर्मचारी हूं। यदि उसके हृदय में करुणा है, दया है, एट कॉम समझ में आए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, तो वो दौड़ करके जाकर के नर्स को बुला सकता है, डॉक्टर को बुला सकता है, और उस व्यक्ति का दुख दूर कर सकता है। यही एट कॉम है। सब कुछ मुझे नहीं करना, आप स्टूडेंट हैं, वार्ड में जाते हैं, आपको उसकी उसकी भावना से अपने आप को जोड़ लेना है। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। मैं जब केजीएमसी में इंटर्नशिप कर रहा था, तो हमारे यहां पर केजीएमसी में एक आइसोलेशन वार्ड है, सर्जिकल आइसोलेशन और मेडिकल आइसोलेशन, वो ऊपर नीचे थे, अब वहां पर सर्जिकल आइसोलेशन की जगह पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बन गया है। एंड तो जो सर्जिकल आइसोलेशन था उसमें टिटनस न्यूट्रम के बच्चे भर्ती होते थे, जो न्यूट्रल टिटनस होती है उसके बच्चे भर्ती होते थे, और ऊपर वाले में गैस्ट्रोमेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और बाकी इन्फेक्शस डिजीज के मरीज भर्ती होते थे। तो जो टिटनस, न्यूनेटल टिटनस होती है, उस बीमारी में यदि आप उसको रेस्पिरेशन उसका मेंटेन रखे मैनुअली, क्योंकि उस समय तो वेंटिलेटर और ये सब व्यवस्था भी नहीं थी, तो सिर्फ हम लोग कार्डिक मसाज और रेस्पिरेटरी मसाज से ही उस बच्चे को देते रहते थे रेस्पिरेटरी असिस्टेंस। जब मेरी ड्यूटी होती थी तब मुझे कुछ आता समझ में नहीं था, लेकिन मेरे हृदय में भाव तब भी ऐसे ही था। मैं पूरी रात असिस्टेंस में लगा रहता था उन बच्चों के, और पूरी रात एक भी बच्चा मरने नहीं देता था, पूरी रात करता था, क्योंकि मेरा मुझे इतना कष्ट होता है जब किसी की मृत्यु होती है, दुखद होती है इस क्षेत्र में होने के बावजूद भी, कि जितने घर वाले दुखी होते हैं उससे ज्यादा मैं दुखी होता हूं। तो मैं रात भर उनकी मसाज करता रहता था, सब बच्चे ठीक होते थे। जब शाम को दूसरे दिन आते थे हम नाइट ड्यूटी करने, तो मुझे पूरा वार्ड खाली मिलता था। सिर्फ भावना का अंतर है कि मेरे हृदय में यह भाव उठता था कि कैसे इस इसकी मां है, अभी आज दो दिन का बच्चा है, क्या इनके हृदय में कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, उसको कैसे हम बांट सकें। तो यह भाव अपने अंदर डेवलप करिए, और यह भाव आपको बहुत मदद करेगा, आपके जीवन के सारे लक्ष्य पूरा करेगा। मैं हमेशा कहता हूं ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम इस पीड़ित मानवता की सेवा भी करते हैं। और एक रोगी की आंख की वो चमक जो उसके ठीक होने के बाद होती है, वो किसी चीज से पूरी नहीं जा सकती है, किसी धन से, किसी संपत्ति से, किसी से उसकी तुलना नहीं जा सकती है जो उसको सुख मिलता है। उसके सुख में सुख लेना देखिए, उसकी खुशी में खुश होना देखिए, यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आपको खुशियों के अंबार मिल जाएंगे। आपको ऐसी संसार की कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है जो आपको न मिले, लेकिन आपको दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना पड़ेगा। यही है एट कॉम। इसको अपने अंदर बैठा लीजिए और फिजिकली इसको रोज अपने जीवन में अप्लाई करिए। हम समझते हैं कि आप सबका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।